खांती है कि इंश्योरेंस जो है वो मेरी गाड़ी का है या मेरा खुद का है जो मैं गाड़ी चला रहा हूँ, ऐसा है नहीं, क्योंकि गाड़ी जब रोड पे होती है तो जितना रिस्क आपको और आपकी गाड़ी को है उतना ही रिस्क सामने वाली की गाड़ी को, सामने वाले की दुकान को, उसके ठेले को, जो गाय हैं इस रोड पे होती हैं खासकर अपने देश में, उनको या किसी भी चलते हुए इंसान को या बाइक पे जाते हुए मोटरबाइकर को। तो इंश्योरेंस ना ही सिर्फ हमारी खुद की गाड़ी के लिए लेना चाहिए, हमको सामने वाले के लिए भी लेना चाहिए। उस इंश्योरेंस को बोलते हैं थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, जिसमें कि कोई भी जान या कोई भी माल का नुकसान जो आपकी गाड़ी के द्वारा हुआ है वो कवर होता है। ये इंश्योरेंस लीगली भी कंपलसरी है, अगर आप थर्ड पार्टी इंश्योरेंस नहीं लेते हैं तो इट इज अ क्रिमिनल ऑफेंस एंड आपको उसकी जेल भी हो सकती है। साथ ही साथ जो आपकी खुद की गाड़ी है, जैसे मैंने पहले कहा कि आपकी खुद की गाड़ी का इंश्योरेंस होना चाहिए, आपकी जो गाड़ी ड्राइव कर रहा है ड्राइवर या अगर आप खुद ड्राइवर हैं उनका इंश्योरेंस होना चाहिए, तो उसे कहते हैं ओन डैमेज इंश्योरेंस, जो कि आपकी गाड़ी को होने वाले नुकसान को या उसको चलाने वाले ड्राइवर को या उसमें कोई बैठा हुआ है अगर और इंसान उसको कवर करता है। इंश्योरेंस में मेरा मानना है कि देखिए कभी भी अगर आप इंश्योरेंस ले रहे हैं तो इंश्योरेंस अधूरी ना लें, इंश्योरेंस अगर लें तो पूरी लें। इंश्योरेंस का मतलब ही यह है कि मैं अपने सारी की सारी जितनी भी मैंने रिस्क डिफाइन करी हैं, जितनी भी मैंने रिस्क समझी हैं उनको मैं कवर कर रहा हूँ। इसीलिए हमारा तो यही सजेशन रहता है कि आप दोनों थर्ड पार्टी और ओन डैमेज कवर लें, जिसे कि कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस कहते हैं, और ये हर गाड़ी में होनी ही चाहिए। साथ ही साथ ये तो हो गई बेस इंश्योरेंस कवर्स, और साथ ही साथ ऐसे बहुत सारे और भी एड ऑन कवर्स होते हैं जो कि केस टू केस मैटर करते हैं, आपकी गाड़ी की क्या कंडीशन है, आपकी ड्राइविंग का क्या तरीका है, क्या ज्योग्राफीज हैं, किस तरह का कार्गो कैरी करते हैं, उस तरह को देख उन चीजों को देखते हुए उन सब कवर्स को लेना चाहिए। पहला कवर है कि आपको पर्सनल एक्सीडेंट कवर लेना चाहिए, अगर गाड़ी खुदा ना करे गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और ड्राइवर को कुछ हो गया तो उसका एक एक्सीडेंट का कवर होना चाहिए। साथ ही साथ अगर आपका पेड ड्राइवर है तो उनका भी आपको कवर लेना चाहिए, कोई अगर लीगल लाइबिलिटी बैठ गया तो, खलासी है, कंडक्टर है, क्लीनर है, आपकी गाड़ी नई है, आपको आपको डर है कि गाड़ी में अगर कोई भी पार्ट खराब हो गया तो मुझे सिर्फ और सिर्फ उसका 80% या 70% ही मिलेगा बिकॉज डेप्रिसिएशन हो चुका है, तो आप निल डेप्रिसिएशन कवर भी ले सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे तरह के कवर हैं जिनके बारे में हम बात कर सकते हैं, आपको समझना चाहिए, पूछना चाहिए कहाँ से कवर ले रहे हैं, अगर ऑनलाइन ले रहे हैं तो बात देखना चाहिए।